हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो इसके लिए हमने लिए हैं 5 आलू, 2 प्याज, हरा धनिया, पुदीना और 4 हरी मिर्चें। ज़ीरा लिया है, काला वाला ज़ीरा, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा भुना पिसा हुआ और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने बॉयल जो पोटैटो हैं उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया, क्योंकि इसमें कोई लम्स ना रहे। लम्स रहेगा तो जब आलू का पराठा बनाएंगे तो पराठा फट जाएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई गुठली ना रहे, इसलिए हम इसको ग्रेट कर देंगे। ग्रेट करने के बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, मिर्ची, अच्छे से कंबाइन करेंगे। प्याज कच्ची डलती है, ये पंजाबी स्टाइल पराठे हैं तो इस वजह से इसमें कच्ची प्याज डलती है। और ये सारे मसाले, नमक, धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च और हल्दी, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स किया खूब अच्छे से, और इसको पराठे में बेल लेंगे। जैसे आपने 2 रोटियां बनाई, हर किसी का अलग अलग बनाने का अंदाज़ होता है। मैं 2 रोटियां बनाती हूँ, उसके बीच में मैं स्टफ़ करती हूँ, तो मुझे ये मेथड इजी लगता है। पतली पतली रोटियां बनाई मैदे की, आटे की जो आप यूज़ करते हैं। मैंने इसमें रेड वाला आटा यूज़ किया है, जो चक्की का आटा होता है। मैदे की वैसे पराठे बहुत लजीज बनते हैं, लेकिन ये आटे के पराठे हैं। और इसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से, चमचे से दबा दबा के करें ताकि सारे कोनों में जाए। बस ये देखिए, ये हमारा पराठा रेडी है। इसको अचार के साथ खाएं, मज़े से। अल्लाह हाफिज़।